आज सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर हमने रिव्यू फाइल कर दिया है, भारत सरकार की ओर से रिव्यू फाइल हुआ है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो ओरिजिनल फैसला हुआ था उसमें भारत सरकार पार्टी नहीं थी। तो आज हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फाइल किया है और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रीजनिंग से हम सहमत नहीं है। तो बाकी विस्तार से भारत सरकार के जो बड़े वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे। हम नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा की ओर से एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं कि दलितों के आदिवासियों के कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है। कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति किया करते थे लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान 5 जगह तीर्थ के रूप में स्थापित करना, इंग्लैंड में भी जहां वो थे उस मकान को लेकर उसको एक प्रकार से एक बहुत बड़ा मेमोरियल बना, ये काम किसने किया है। और आज जो कांग्रेस के लोग हल्ला कर रहे हैं तो कांग्रेस से मुझे एक सवाल पूछना है जो मैंने सदन में भी कहा था, आज कहने वाला था सदन बंद हो गया, कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी जिसको बीजेपी समर्थन कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर मरे 1956 में, 56 से लेकर 89 तक कांग्रेस की हमेशा सरकार रही, सिर्फ 2 साल जनता पार्टी को छोड़कर करती, क्यों नहीं दिया गया? तो आज कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल पूछती है। सबसे अधिक दलित एमपी दलित एमएलए बीजेपी के, ये देश जानता है। उनके लिए हमारी केंद्र सरकार काम करती है और हमारी प्रदेश सरकारें काम करती है। हम इस राजनीति का पूरा विरोध करते हैं। बीजेपी का कमिटमेंट, बीजेपी का समर्पण, बीजेपी की प्रतिबद्धता हमारे दलित भाइयों आदिवासी भाइयों के विकास के लिए प्रामाणिक है और वो जमीन पर जानते हैं, इसीलिए उनका हमें सहयोग भी मिलता है और आशीर्वाद भी मिलता है।